Now, let us start discussing problem number 28. अब 28 प्रॉब्लम वो मुझको पहले डिफाइन डिस्क्राइब करना होगा अच्छी तरह से, और थोड़ा लंबा स्टेटमेंट दिख रहा है। द टेबल विथ स्मूथ horizontal surface is fixed in a cabin that rotate with uniform angular velocity omega in a circular path of radius r. मैं वह फिगर पहले बना देता हूं जो मुझे बना हुआ दिख रहा है। एक कैबिन इस तरह का बना हुआ दिख रहा है। यह कैबिन है, दिस इज अ कैबिन, एंड देयर इज अ टेबल इन इट। इसके अंदर यह एक टेबल है। देयर इज अ टेबल इन इट। और इसके साथ में जो मुझको दिख रहा है पॉइंट O और पॉइंट O के अबाउट इस रेडियस R, यह कहीं सेंटर, और यह रेडियस R और पॉइंट O के अबाउट पूरा का पूरा कैबिन रोटेट कर रहा है। दिस इज अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस is fixed in a cabin that rotates with angular velocity omega, angular velocity omega के साथ, in a circular path of radius r. The smooth groove AB of length L. इसमें groove है, this is a smooth groove. Let me draw this groove. और यह groove है, this is the groove. And the length of this groove is L, where this L is very, very small as compared to R. Is made on the surface of table that makes an angle of theta with radius OA of the circle in which cabin rotates. A particle is kept at a point A in a groove and released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach point B. This is point A and this is point B, और इधर एक पार्टिकल हमने रख दिया। मैं प्रॉब्लम को समझाता हूं। प्रॉब्लम को समझाने के बाद मैं थोड़ा करने के लिए समय भी दूंगा आपको, क्योंकि अब यह जो प्रॉब्लम का लेवल आया है, दिस इज नॉट अ वेरी मच बेसिक लेवल, इनफैक्ट इट्स अ अप्लाइड लेवल ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, देयर इज अ कैबिन, और ये पूरा का पूरा कैबिन ही इस पॉइंट O के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है एट सम रेडियस R. The cabin, and this cabin is executing circular motion with angular velocity omega with the radius r. This is a given thing. अब इस cabin में एक टेबल रखी हुई है. This is a smooth horizontal table. Smooth horizontal table का मतलब है कोई फ्रिक्शन नहीं है और horizontal. हमें ना तो normal reaction देखने की आवश्यकता है, ना mg देखने की आवश्यकता है, और ना ही कोई फ्रिक्शन फोर्स देखने की आवश्यकता है। इस टेबल के ऊपर एक ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव मतलब एक नाली टाइप की, एक स्लॉट। और ये ग्रूव कैसे बना हुआ है? ये जो रेडियल डायरेक्शन है, इस रेडियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पर, इस रेडियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पर यह एक ग्रूव बना हुआ। अब इस ग्रूव पर एक छोटा सा पार्टिकल, लेटर से एक छोटा सा बॉल बेयरिंग छोड़ दिया गया। इस ग्रूव की लेंथ L है, इस पर एक बॉल बेयरिंग, दिस लेंथ L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। मतलब जब ये पार्टिकल इस ग्रूव में मूव करेगा तो उसके रेडियस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इस ग्रूव में एक बॉल बेयरिंग छोड़ दिया गया तो जैसे हम बॉल बेयरिंग को छोड़ेंगे वो बॉल बेयरिंग स्टेशनरी रहने के बजाय इट वुड स्टार्ट मूविंग in this direction like this. Now they had asked after what time the ball bearing which is released at this point A would leave this groove at point B. यह ball bearing point B तक कब तक पहुंच जाएगा, यह कब इस groove से बाहर रिलीज हो जाएगा, this is the question. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। देखिए बॉल बियरिंग मूव क्यों करेगा। इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कैबिन इटसेल्फ, एक पर्सन जो इस कैबिन में ही खड़ा है, इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ दिस कैबिन इटसेल्फ ऑफ द सर्कुलर मोशन इटसेल्फ, इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। I'll redraw this situation. इस बार मैं कोई खास फालतू की चीज नहीं बनाऊंगा, मैं कैबिन भी नहीं बनाऊंगा। अब तो मैं सिर्फ वह पॉइंट ओ के अबाउट इस तरह से रोटेशन और इधर वह ग्रूव बना रहा हूं सिर्फ। यह ग्रूव यह एंगल थीटा। अब किसी भी समय पर जब पार्टिकल इस जगह पर है, दिस इज रेडियस आर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते समय इसके ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा। ऑल्दो एग्जैक्टली यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यह डायरेक्शन होनी चाहिए, बट एज दे हैड टोल्ड यू दैट दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। यह जो लेंथ है ये आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए यह जो एंगल है यह भी नेग्लिजिबल ही होगा और मैं इसको इस तरह से एम ओमेगा स्क्वायर आर को देख सकता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यह कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, यह एंगल थीटा होगा तो यह एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा और यह कंपोनेंट होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। और इनफैक्ट यह जो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कंपोनेंट है ये ही इस पार्टिकल को, इस बॉल बियरिंग को इस तरफ मूव करवाएगा। हम कहते हैं द एक्सीलरेटिंग फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज दिस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, क्योंकि इसे अब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रहा है इसलिए इसका एक्सीलरेशन होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। मैंने इस बात को, ये जो प्रॉब्लम की गिवन कंडीशन है इसको ध्यान रखा है, L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। इफ L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R तो बॉल बियरिंग इसके अक्रॉस कहीं पर भी मूव करे, ये जो लेंथ है कोई, दिस वुड बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू R। तो ये जो डायरेक्शन दिख रही है या रेडियली ये होगी। अब let me re-study the problem. Find time taken by the particle to reach point B. Point B तक पहुंचने के लिए टाइम पूछा गया है। अब मैंने थीटा एंगल शायद गलत इंडिकेट कर दिया है और कॉस और साइन कंपोनेंट गलत इंडिकेट कर दिए। मुझे सुधारना चाहिए इसी समय। यह एंगल थीटा होगा, दिस एंगल वुड बी थीटा and this would be cos component and this would be the sine component. इस बात को आप जरूर नोट करें क्योंकि यह एंगल थीटा है। यदि यह ग्रुप इस तरह से आता है तो m ओमेगा स्क्वायर आर पूरा इस एक्स में से होएगा, तो यह एंगल थीटा हो जाएगा एंड दिस वुड बी कॉस एंड दिस वुड बी साइन कंपोनेंट। तो एक्सीलरेशन जो होएगा इस इक्वेशन में भी सुधार करना होगा। दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। अब हम कहते हैं एक्सीलरेशन इज dv by dt and I may rewrite this omega square r is dv by ds into ds by dt। मैं ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि मुझे यह बात साफ दे रखी है कि लेंथ L ट्रेवल करना है। लेंथ L ट्रेवल करना है और एक्सीलरेशन दे रखा है। एक्सीलरेशन इज अ कांस्टेंट, इनफैक्ट ओमेगा इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट एंड कॉस थीटा इज कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन दे रखा है तो सीधा सीधा मैं सेकेंड इक्वेशन अब लगा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड इक्वेशन लगाया जाए, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें S की जगह पर मैं लिख देता हूं लेंथ L। इनिशियली रेस्ट पर छोड़ा गया है, हाफ एक्सीलरेशन की जगह पर यह वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2L बाय ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा और टी इज अंडर रूट ऑफ 2L बाय ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। हम सीधा सीधा यह काम कर सकते हैं और इस काम को करने के पीछे ये जो assumption उन्होंने दे रखा था बहुत इंपॉर्टेंट है। L is very very small as compared to R, क्योंकि L is very very small as compared to R तभी हम यह कह पाए कि जो m ओमेगा स्क्वायर R है ये हमेशा इसके रेडियली ऐसे लिया जा सकता है क्योंकि लेंथ ऑफ ग्रुप नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस। और एक्सीलरेशन ओवर दिस मोशन यह कांस्टेंट रहेगा और एक्सीलरेशन यदि कांस्टेंट रहा तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है और एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के इनिशियल वेलोसिटी 0 कही जा सकती है और टाइम इस तरह से निकाला जा सकता है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 29th प्रॉब्लम। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वैसे देख लीजिए। Now लेट मी डिस्क्राइब 29th प्रॉब्लम फर्स्ट। 29th प्रॉब्लम को पहले मैं डिस्क्राइब करता हूं। अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज टेकिंग अ टर्न ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर्स। एक फिगर बना रखा है उन्हें, इस तरह से एक रोड दिखा रखा है, सेंटर दिखा रखा है ओ, और इसके ऊपर एक कार ड्रॉ कर रखी है। कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। जब हम वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में देख रहे हैं तो इसको उसी समय मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर दें इंटू 5/18। 36 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। It's taking a turn on a circular road of radius 50 meters. यह सर्कुलर रोड है, इसका रेडियस दे रखा है 50 मीटर्स। A small wooden plate is kept on a seat. अब फिर वापस, a small wooden plate is kept on a seat. मुझको उस कार को भी बड़े ध्यान से ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बना के दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें उन्होंने एक वुडन प्लेट ड्रॉ करके दिखा रखी है। यह कार है, और इसमें यह वुडन प्लेट और इस वुडन प्लेट के आगे उन्होंने एक ब्लॉक भी बना रखा है। ऐसा कुछ सिचुएशन। रेडियस ऑफ वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन अ सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। और उसका जो प्लेन है वह सर्कुलर ट्रैक के परपेंडिकुलर, जैसा हमने दिखा रखा है। A small block of mass M is kept on the seat which rests on the plate. अब इस पर यह स्मॉल ब्लॉक जिसका की मास M है, where this mass M is given 100 grams, और उसको मैं 0.1 kg लिख देता हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेट इज 0.58। इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.58। फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड by the plate on the block. The plate is slowly turned so that angle between normal to plate and radius of road is slowly increased. Find the angle at which block will just start sliding on the plate. Problem को समझाता हूँ। देखिए, तो पूछा गया है यह सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पर यह रोड, सर्कुलर ट्रैक पर यह कार, और इस कार के अंदर सीट के ऊपर इधर एक वुडन सीट और इस पर एक ब्लॉक रखा गया है। राइट नाउ यह जो ब्लॉक है यह इस वुडन सपोर्ट के द्वारा सपोर्टेड है, प्लेट के द्वारा, वुडन प्लेट के द्वारा सपोर्टेड है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा। तो मैं एक और बार इस सिचुएशन को ड्रॉ कर देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम पहले सवाल के लिए। कि पॉइंट ओ के ऊपर यह रखा हुआ वुडन ब्लॉक, दिस इज द वुडन ब्लॉक और दिस इज द ब्लॉक और दिस इज द वुडन प्लेट। अब इसका नॉर्मल रिएक्शन उन्होंने पूछा है, बिल्कुल साधारण सी बात है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r और यह नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू mv²/r, मास की जगह 0.1, वी स्क्वायर की जगह 100 स्क्वायर और आर की जगह पर 50। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। पहले पार्ट का तो यही जवाब है। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है? दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा कि ये वुडन प्लेट ऐसे रोटेट करना चालू कर दी, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पूरा का पूरा सेटअप ईवी वेलोसिटी से मूव कर रहा है रेडियस आर पर। अब दूसरे सिचुएशन में जो सिचुएशन है उसको मैं ड्रॉ करता हूं। पॉइंट ओ और यह वुडन प्लेट जो है वह ऐसे रोटेट करना चालू करी तो किसी भी समय पर जो वुडन प्लेट ओरिजिनली इस तरह से थी, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ वुडन प्लेट जो रेडियस के परपेंडिकुलर थी, यह वुडन प्लेट इस तरह से रोटेट कर गई किसी एंगल थीटा से, और अब जो वुडन ब्लॉक है वह ऐसे दिखने लगा। यह वुडन ब्लॉक अब ऐसे दिखने लगा। तो क्या होगा, इस प्लेट के रोटेट करते करते कैसी सिचुएशन आएगी कि जब यह वुडन ब्लॉक स्लिप करने लगेगा, इस वुडन प्लेट के साथ साथ मूव करने लगेगा, वो कौन सा एंगल थीटा होगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसलिए इस सर्कुलर मोशन की वजह से mv²/r इस तरह से लगेगा और यह जो वुडन सपोर्ट है यह नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से देगा। इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन इस के परपेंडिकुलर, वुडन प्लेट के परपेंडिकुलर मिलेगा। अब क्या होगा, इस mv²/r के दो कंपोनेंट, एक तो यह कंपोनेंट और एक यह कंपोनेंट। दिस एंगल इज थीटा, यह कंपोनेंट हो जाएगा mv²/r इंटू कॉस थीटा और यह कंपोनेंट हो जाएगा mv²/r इंटू साइन थीटा। और खास बात, नॉर्मल रिएक्शन तो mv²/r cos थीटा के बराबर हो जाएगा, mv²/r cos थीटा यह तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा और mv²/r साइन थीटा की वजह से यह जो ब्लॉक है ये ड्रैग होने की टेंडेंसी दिखाएगा। उसको ड्रैग होने से प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से लगने लगेगा। और वहां पर टू प्रिवेंट ड्रैगिंग द ब्लॉक, अब उन्हें जो पूछा है फाइंड एंगल एट विच ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो block टू स्लाइड, ब्लॉक स्लाइड तब करेगा जब mv स्क्वायर बाय r साइन थीटा यह एक्सीड करेगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से। जो वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू एमवी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, यह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और हम कहेंगे म्यू और एमवी स्क्वायर बाय आर, वो कंडीशन लगाता हूं mv स्क्वायर बाय r साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर एन इक्वल टू म्यू mv स्क्वायर बाय r कॉस थीटा। mv स्क्वायर बाय r कैंसल्ड, म्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन थीटा और थीटा मस्ट बी ग्रेटर एन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। इस कंडीशन पर वह ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। बड़े ध्यान से देखिए पूरे प्रॉब्लम को। थर्टीएथ प्रॉब्लम करेंगे अब हम।